चौथे चरण के वोटिंग के बीच यूपी में पांचवें चरण के लिए जोर पकड़ेगा प्रचार। पीएम मोदी बाराबंकी और कौशाम्बी में भरेंगे हुंकार। चौथे चरण में मतदाताओं में दिख रहा खासा उत्साह। बूथों पर वोटरों की लंबी कतार। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने डाला वोट। बिहार में 42,000 शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म। अभ्यर्थियों को आज से मिलेगा नियुक्ति पत्र। भागलपुर में अपराधियों ने बैंक कर्मी को बनाया अपना निशाना। कर्मी से हथियार के नोक पर 13 लाख रुपए की लूट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पूर्व मुखिया की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पूर्व मुखिया की हत्या हुई है। अज्ञात अपराधियों ने मुंह दबाकर हत्या की है। आपको बता दें, इस वक्त की पैसे की लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि पैसे की लेन देन को लेकर ये हत्या हुई है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि केवस निजामत गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में शव मिलने के बाद हड़कंप मच गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल पैसे की लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। ना यही पता चला है कि हम लोग शाम 7 बजे से खोजना स्टार्ट किए। 7 बजे वो घर चलाते थे, खोजना स्टार्ट किए, वो यहाँ मिले नहीं। उनके जो करीबी सब आदमी था, उन सबको हम कॉल करवाए, सब जगह पता चला कि जो अभी ये चौक से गए हैं। कोई फ़ोन किया है जो वो गए हैं, अब वो किधर गए हैं वो किसी को पता नहीं चला। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैसर, मुखिया की, पूर्व मुखिया की हत्या हुई है, आखिरकार क्या कुछ पूरी बात है, क्या क्यों ये हत्या को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये देर शाम संध्या की ये घटना है, और इस घटना के बाद से इलाके में पूरी तरह से सनसनी फैल गई है और लोगों की भीड़ घटना स्थल से लेके उनके घरों तक पहुंच रहे हैं और काफी आक्रोशित लोग हैं। और हर जगह जो है लोग जो है कि अब जो है कि सड़क जाम तोड़ फोड़ पे उतारू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत समाज सेवी मुखिया थे और लगातार इनका जो है कि सब पंचायतों के अंदर अधिक दबाव रहता था, लोगों के बीचों में इनका उठना बैठना था, और अचानक हत्या के बाद से जो है कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और बताया जा रहा है कि देर शाम जो है वो निकले थे और उसके बाद घर नहीं लौटे, और बाद में जब लोगों ने उनकी जानकारी पता चली तो उनका शव जो है कि वो बीच चौर के अंदर, जो बिल्ली चौर है, सुनसान इलाका है, उस जगह पे उनका शव मिला और उसके बाद से इलाके में सनसनी है। कैसर, ये बताइए कि पुलिस ने क्या अभी तक किसी को इस पूरे मामले में पकड़ा हो या किसी से पूछताछ की हो और कोई बातें निकल कर सामने आई हो? ये जिस तरह की जो संदेहास्पद में इनकी मौत हुई है, उसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया है और परिजनों को सौंप दिया है, मगर अभी तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहरहाल की जिस तरह से हुई है कॉल डिटेल्स की जो है पुलिस जांच कर रही है। उनका मोबाइल जो था वो गुम था, नहीं मिल रहा था, मगर अभी जो है जो हमें जानकारी मिली है कि उनका जो मोबाइल है घटना स्थल के बस महज कुछ दूर के बगल में उनका मोबाइल मिला है, और पुलिस जो है मोबाइल के जो कॉल डिटेल्स के आधार पे जो है अपराधियों की पकड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जी बिल्कुल कैशर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पूर्व मुखिया की हत्या कर दी गई है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया, जो मुखिया थे वो काफी समाज सेवी किस्म के थे, वो लगातार लोगों की सेवा किया करते थे। हालांकि घटना से कुछ दूर पर मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है, और इस पूरे स्थिति को लेकर जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है।
और एक और बड़ी खबर लखीसराय से आपको बता देते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां छापेमारी करने गई QRT टीम पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता दें, यहां पर छापेमारी करने गई QRT टीम पर हमला किया गया है। कई जवान और महिला पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां कई जवान और महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई थी पुलिस। तो देखिए, बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार अवैध खनन का मामला सामने आ रहा है और ऐसे में पुलिस लगातार अगर बात करें तो छापेमारी कर रही है। पुलिस छापेमारी करने गई थी और इसी दरमियान इस घटना को अंजाम दिया गया है। QRT टीम पर हमला कर दिया गया है। सूर्यगाढ़ा थाना क्षेत्र के मिस्ता गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखीसराय से, जहां छापेमारी करने गई QRT टीम पर हमला किया गया है। इस हमले में कई जवान और महिला पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही बालू के माफिया हैं उनके खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है और जब पुलिस छापेमारी करने जाती है तो इन पर हमला कर दिया जाता है। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सरफराज आलम हमारे साथ लखीसराय से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरफराज, छापेमारी करने गई टीम पर हमला हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? ऐसा है पूजा की लखीसराय जिले में बालू माफियाओं का पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है और बालू माफिया हमेशा पुलिस से उनकी मिली भगत कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन आज एक घटना जो चौंकाने वाली भी है, चिंता का भी बात है कि आज पुलिस टीम पर हमला किया गया है। ये लखीसराय जिले के सुजगढ़ा थाना क्षेत्र का निस्ता गांव का है। विस्तृत जानकारी लखीसराय के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। वैसे थाना अध्यक्ष सुजगढ़ा को फोन लगाने पर भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। विस्तृत जानकारी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देंगे। सरफराज, ये बताइए कि जो पुलिसकर्मी और महिला पुलिसकर्मी और जवान जो घायल हुए हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है? जी, स्थिति खतरे से बाहर है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल बगल के अस्पताल में भेजा गया है, लेकिन स्थिति अभी उतनी गंभीर नहीं बताई जा रही है। विस्तृत जानकारी देने पर इसकी सूचना दी जाएगी। चलिए सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे थे जहां बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई QRT टीम पर हमला कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां सूर्यगाढ़ा थाना की ये घटना बताई जा रही है। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बयान पर भाजपा कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने बयान दिया है। उन्होंने इस पूरे कयासों का खंडन कर दिया है। रामसूरत राय ने यह कहा है कि नीतीश कुमार अभी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बिहार के मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री जी देश के मटेरियल हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आज 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कोई तीसरा मोर्चा, कोई तीसरा फ्रंट नहीं है। हम लोग NDA के साथ हैं, NDA के साथ हैं और रहेंगे और जनता की सेवा करना लक्ष्य है। जनता की सेवा हम सब लोग। सर, एक सवाल ही है। अवैध हथियार के साथ हर्ष फायरिंग करने का वायरल वीडियो रोहतास पुलिस ने जांच के बाद आपको बता दें कि इसमें रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया पति सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि रामपुर पंचायत पर FIR दर्ज कर लिया है। साथ ही रोहतास SP ने गिरफ्तारी के निर्देश भी दे दिए हैं। रोहतास SP आशीष भारती ने कहा है कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र चौबिया गांव में 18 फरवरी को पप्पू सिंह के बेटे की शादी में रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया पति वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि राजीव रंजन ने अवैध हथियार के साथ हर्ष फायरिंग की थी और जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर जांच की गई, एक टीम का गठन किया गया और इसे सही पाया गया।
और चलिए एक और बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है, वहीं मौके से वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला महादेव चौक के पास NH 31 का बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां वाहन से आपको बता दें कि भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मौके से वाहन चालक जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महादेव चौक के पास NH 31 पर यह कार्रवाई की गई है। लगातार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से छापेमारी की जा रही है, जांच अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक तरफ ड्रोन से नजर बनाए रखने की बात लगातार की जा रही है और ड्रोन से नजरें बनाए हुए हैं पुलिस प्रशासन, वहीं दूसरी तरफ अब शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहाँ पर वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया है। भागलपुर जिला स्थित NH 31 पर हथियार से लैस अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के संचालक से 13,30,000 रुपए की लूट कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची रंगरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये बताया जा रहा है कि बैंक के कैशियर बैंक से 13,30,000 कैश लेकर बाइक से कुरसैला की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने ओवरटेक कर बैंक कर्मी को बाइक से गिराकर इस घटना को अंजाम दिया। हम लोग नौगछिया से पैसा लेके नौगछिया ब्रांच से HDFC ब्रांच से पैसा लेके कुरसैला HDFC ब्रांच में जा रहे थे। कुरसैला और रंगड़ा के बीच में मेरे साथ ये घटना हो गई और मतलब बाइक पे दो बाइक था और मेरे पास पल्सर 125 CC, उन लोग के पास अपाची 180 था। वो लोग ओवरटेक किए, ओवरटेक करने के बाद मेरे साइलेंसर पे लात मारा। लात मारने के बाद मेरा गाड़ी अनबैलेंस हुआ, मैंने रोका तो वो जैसे उतरा मेरे ऊपर पिस्टल सटा दिया। पिस्टल सटाने के बाद वो बैग छीन के फिर से बैग की ओर भाग गया। कैमूर के भभुआ थाना क्षेत्र के कुंज गांव में ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार एक की मौत हो गई तो दूसरे को गंभीर रूप से घायल अवस्था में भभुआ सदर अस्पताल में इलाज के बाद बनारस रेफर कर दिया गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पर दलबल के साथ पहुंचे भभुआ थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। चलिए एक और बड़ी खबर सिवान से इस वक्त की सामने आ रही है जहां आपको बता दें कि सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की सिवान से बता रहे हैं जहां ट्रक की चपेट में आने से जवान घायल हो गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां इलाज के लिए अस्पताल से ले जाने के दौरान ही जवान की मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पंचरुखी थाना क्षेत्र के गंभरिया की ये घटना बताई जा रही है, सिवान की ये घटना बताई जा रही है। यहां पर अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस ट्रक ने टक्कर मारी है, क्या जवान की तरफ से उसे रोकने की कोशिश की गई थी, क्या कुछ बातें रही होंगी जो इस तरीके से टक्कर मारा गया है। लगातार सवाल कई उठ रहे हैं, हालांकि अब जो जवान है उनकी मौत हो गई है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए सिवान से हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जवान को ट्रक ने टक्कर मार दी है, क्या वजह रही होगी, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, घटना की बात करूं तो ये पूरी घटना सिवान के पथरुखी थाना क्षेत्र के पड़ौली गांव की है, जहां तैनात था होमगार्ड का जवान, गश्ती के दौरान वहां तैनात था, तभी एक ट्रक बेलगाम होकर आती है और उसे ट्रक धक्का मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत होती है,
सिवान सदर अस्पताल में। लेकिन इसमें कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर गश्ती के दौरान जब होमगार्ड का जवान तैनात था और ट्रक को रोकने की कोशिश की तो आखिर ट्रक ने क्यों नहीं उसे धक्का मार के मौत के घाट उतार दिया, ये अब ये सवाल बन गया है, ये जांच का विषय बना हुआ जिससे लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। शाहिल ये बताइए क्या इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कोई सबूत या फिर छानबीन के दौरान कोई बात पता चली हो? देखिए जैसे ही घटना घटी हुई है घटना स्थल पर पहुंचकर अगल बगल के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, गाड़ी के नंबर से पता लगा रही है कि आखिर ट्रक कहाँ की है, उसमें चालक कौन थे, आखिर ये ट्रक कहाँ जा रही थी, इस ट्रक में कौन से नशीले या कोई पदार्थ या शराब नहीं थे, इस तरह की जांच पुलिस कर रही है और पोस्टमार्टम कराने में भी जुटी हुई है। शव को लेकर जो सिवान सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। चलिए शाहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे सिवान से, जहां सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आवाज लेकिन अब ना हो परेशान क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण का मतदान आज किया जा रहा है। इन सब के बीच आज से पांचवें चरण का प्रचार भी जोर पकड़ेगा। पांचवें फेज के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज बाराबांकी और कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा दलों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर कड़ी निगरानी की जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जनता से मतदान करने की अपील की है। दरअसल यूपी में चौथे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। चौथे चरण में ऐतिहासिक मतदान करें, नागरिक के इस अधिकार का सम्मान करें। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जनता से मतदान करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान जारी है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज सुरक्षा के इंतजाम के बीच सुबह से ही मतदान किया जा रहा है। मतदाता कतारों में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। केबीटी केटी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भी मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं।
चौथे चरण के चुनाव को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सदर विधायक अदिति सिंह ने वोट डाला, वहीं रायबरेली सदर प्रत्याशी अदिति सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया। उन्नाव में भी वोटिंग जारी है। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहाँ रायबरेली उन्नाव की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि देखिए एक जगह जहां पर प्रत्याशी अदिति सिंह ने वोट डाला है तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको भी ये अधिकार है, आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप अपनी सरकार को चुनें, आप उन्हें चुनें जो आपको लगता है कि आपके लिए सही हैं, आपकी सरकार को चलाने के लिए सही हैं, आपके लिए विकास कार्य कर रहे हैं। ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो कतारों में खड़े हैं और उत्साह लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सुबह का समय है और जब लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोग भी कितने ज्यादा इसको लेकर जागरूक हैं। लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा भी मतदान करने पहुंचे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी वोट डाला। आपको बता दें कि मायावती ने भी माल एवेन्यू चिल्ड्रन पैलेस में वोट डाला है और वोट के बाद भी उन्होंने साथ जनता से भी वोट करने की अपील की है। मैडम फोन नीचे कर लीजिए, मोबाइल कौन है भाई, चलो नीचे कर लो मोबाइल। क्या है लोकतंत्र का उत्सव है तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए, अपना चाहिए। और खासकर मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, बाबा साहब लखनऊ में प्रथम नागरिक महापौरा संयुक्त भाटिया अपने परिवार के साथ बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो देखिए लखनऊ में महापौरा ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर यहां पर वोटिंग की है, अपने मत का इस्तेमाल किया है। सीतापुर में चौथे चरण का मतदान जारी है। जिले में 17,044 प्रशिक्षित मतदान कर्मी जो है वो मतदान करवा रहे हैं। जिलाधिकारी आरपी सिंह और एसपी ने मतदान स्थलों का निरीक्षण भी किया है। साथ ही सीतापुर सदर सपा प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल ने भी वोट डाला। तो देखिए लगातार जो सभी जिम्मेदार लोग हैं वो भी वोट डाल रहे हैं, आम नागरिक भी वोट डाल रहे हैं और ऐसे में ये जरूर देखने को मिलता है कि देखिए किस तरीके से लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है और खास लोगों की भी जिम्मेदारी है। खास पद पर बैठे लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो वोट डाले, लोगों को जागरूक करें, और लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। वोट डालना आपका अधिकार है, आप आगे आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए इस लोकतंत्र के महापर्व में। लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मतदान स्थल पर जाकर गए और वहां की जायजा लिया। दरअसल जिले में कुल 26,80,449 मतदाता हैं। हर पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता जो हैं नहीं रहेंगे, इसीलिए जो तैयारियां हैं वो की गई है। ये लखीमपुर खीरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए यहां पर भी जो लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे। तो बता दें आपको कि जिले में कुल 26,80,749 मतदाता हैं। हर पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे और डीएम ने मतदान स्थल का जाकर खुद जायजा लिया है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो पोलिंग बूथ है उसे बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है ताकि लोग उत्साहित रहें और मत का अपने इस्तेमाल करें। और चलिए लखनऊ में भी चौथे चरण का मतदान जो है वो हो रहा है। लखनऊ की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां बीजेपी प्रत्याशी ने वोट डाला है।
आपको बता दें कि जनता से उन्होंने ये भी कहा है कि वोट डाले, क्योंकि वोट डालना अधिकार है और ऐसे में राधे श्याम जायसवाल ने वोट डाला है। तो देखिए बीजेपी प्रत्याशी ने वोट डाला है, साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों से बढ़ चढ़ कर वोट डालने की भी उन्होंने अपील की है, माता रानी का दर्शन उन्होंने किया है और विधानसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं, लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं। और राजेश्वर सिंह माँ चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इस दौरान लोगों से वोटिंग करने की अपील की। तो मैं मेरा दिन ही शुरू होता है, आप पिछले 18 दिन से देख रहे होंगे कि मैं मंदिर हमेशा आता हूँ, बिना मंदिर दर्शन किए मेरा दिन नहीं शुरू होता है। सर क्या लग रहा है आज के दिन और शाम को 6 बजे तक कैसे क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपार समर्थन है जनता का और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत में सभी बूथ स्तर पर मतदाता बूथ पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं, वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। लगभग 15% मतदाता मतदान डाल चुके हैं। ये पीलीभीत की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, यहां पर जो सेंटर यानी कि पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदगी है, साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लखनऊ में आज चौथे चरण का मतदान है, लेकिन मतदान से पहले एक महिला ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर सीएम से इस महिला ने गुहार लगाई है और देखिए ये एक अच्छी बात जरूर हम कह सकते हैं कि लोग वोट डालने को लेकर कितने ज्यादा जागरूक और उत्साहित हैं कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर इस महिला ने वीडियो जारी किया और योगी आदित्यनाथ यानी कि सीएम से गुहार लगाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।